हे गाइस, गुड इवनिंग. आज है सैटरडे और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम थोड़े बाहर निकल पड़े हैं मस्ती करने. वीकेंड है और आज वेदर भी अच्छा हो गया है. पूरा दोपहर बारिश हुआ तो हम सोचे थोड़ा घूम के आते हैं. यहाँ पे एक नया सेंट्रल मॉल ओपन हुआ है. लास्ट वीकेंड ही इनॉग्रेट हुआ था ना, तो वहाँ पे आज हम जा रहे हैं क्योंकि इस वीकेंड हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पे शायद कुछ 100% कैशबैक या ऐसा कुछ चल रहा है और हमें घर के लिए भी कुछ सामान लेना ही है. तो देखते हैं, 4000 रुपीज की शॉपिंग में 4000 रुपीज का ही कैशबैक ऐसा कुछ दिखा रहे थे. अब जाके पता चलेगा फंडा क्या है. पर हाँ, मैंने भी बहुत जगह पे रिव्यूज पढ़ा कि बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं. जब कोई भी मॉल खुलता है तो हर ब्रांड ऑफर देता है. तो चलते हैं. और यहाँ पे है प्रशंजीत जो बिल्कुल आना नहीं चाहता था, बहुत टायर्ड था वो. ये मेरे पापा. बाबा एक बार हाय बोले था. ओ, मेरे पापा अभी मीनाक्षी मंदिर में प्रणाम कर रहे थे. सॉरी डिस्टर्ब किया मैंने. तुम हाय बोल दो. हाय. तो ऑलरेडी बात भी कर लिया. अच्छा, इसके बाद क्या है बोला? क्या मतलब सच में? और फ्लरी क्या रहा घर पे है? बड़ी गुस्सा थी फ्लरी जब हम आ रहे थे. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम ऐसे नींद से उठेंगे और निकल जाएंगे. नया मॉल है तो देखते हैं. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. उसके बाद हम शायद मीनाक्षी मॉल भी आएंगे. आज का डिनर इसको बहुत मन है घर पे करने का. फिश भी है, मुझे आज रात को राइस और फिश खाने का मुझे मन नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. बट हाँ, उसको थोड़ा फिश होता है तो उसको थोड़ा मन रहता है कि घर पे ही खाना खाओ. तो मैंने बोला तुमको खाना तो खाओ, मैं रात को रोटी जैसा कुछ खाऊंगी. तो वो भी देखते हैं क्या करेंगे. चलिए जो भी होता शेयर करेंगे. Now we are on our way to Meenakshi Mall. Central में clothing collection बहुत अच्छा था. तो प्रशंजीत was trying few glasses, but सब कुछ उसके फेस पे छोटा लग रहा था इसलिए उसको कुछ पसंद नहीं आया. मुझे एक बहुत पसंद आया बट मैंने छोड़ दिया. ये बोल रहा था ले लो मैंने बोला नहीं ठीक है मतलब बाद में. क्या ले लो ऐसे बोल रहा था कि जैसे मैं नहीं चाहता. मतलब मत लो. 10 बार पूछ रहे हैं. किसी को दिलाना होता है तो वो एक बार में लेके दे देता है. ठीक है, ये सब मुझे भी समझ में आता है ट्रिक्स, इसलिए मैंने नहीं लिया. चलो चलते हैं मीनाक्षी मॉल. यहाँ पे तो क्लोथिंग कलेक्शन बहुत अच्छा है. बाद में कभी आएंगे, अभी क्लोथ्स लेना नहीं है. बट कलेक्शन सुपर्ब था. और यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे फूड कोर्ट भी नहीं है. यहाँ पे घर का भी कुछ नहीं मिलता है. होम डेकोर एंड ऑल वो सब नहीं है. सिर्फ क्लोथिंग, एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स, ये सब है. एथनिक कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, वेस्टर्न कलेक्शन भी अच्छा है और शूज़ के भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं. तो वो कभी बाद में आके चेकआउट करेंगे. नॉट नाउ, वो बाद में, अभी वो प्रायोरिटी नहीं है. Hello, back home. और घर आने के बाद 10 मिनट हमें सिर्फ लगता है इन दोनों को शांत करवाने में.
इतना पागल होके रखते हैं दोनों के दोनों. एनी वेज वी गॉट क्वाइट अ फ्यू स्टफ फ्रॉम होम स्टॉप. ऑलमोस्ट मिल गया है चीज़ें, और दो तीन चीज़ चाहिए बस. और हमें थोड़ा सा और लेट हो गया क्योंकि हम मॉल से निकल के ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक ड्यू टू सैटरडे लोड और समथिंग नोबडी वॉज टेकिंग ऑर्डर. स्विगी जोमेटो किसी के पास भी, सारे दुकान ऑफ दिखा रहे थे कि करेंटली ऑफ फॉर ऑनलाइन ऑर्डर. तो इसलिए हमको जाके खाना लेके आना पड़ा फिर, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए. बट फ्लरी कियारा को हम आज 5:30 को खाना खिला के गए थे, तो अभी थोड़ा सा उनको चिकन बॉईल करके देंगे ताकि रात को उसका पेट फुल रहे दोनों का. दोनों को ही आज चिकन देंगे. कियारा आज पहली बार बॉयल्ड चिकन खाएगी, तो हम थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और फिर दोनों को खाना देते हैं. हम भी खाना बाहर से लेके आएंगे, यम्मी सा खाना दिखाती हूँ. ये है आज का डिनर. हम लोग लाए हैं बिरयानी हमारे लिए, पापा बिरयानी नहीं खाएंगे तो तंदूरी रोटी खा रहे हैं. और जिस दिन ऐसे किस्मत ख़राब होते हैं ना, एक तो खाना ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, दुकान में जाके लाए, ऊपर से 3 बिरयानी की जगह पैकेट खोल के देख रहे अभी 2 बिरयानी दिया है. बट हम उसी को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके 2 को 3 और 1 तंदूरी रोटी भी एक्स्ट्रा है तो उसके हिसाब से. और हाँ, जो स्पेशल मिला क्योंकि अभी रमादान के लिए दुकान में हलीम मिल रहा था, मटन हलीम, तो वो भी लेके आए. इसी से करेंगे अभी हम डिनर. हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल. ये संडे बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मदर्स डे, एंड आई विश ऑल द ब्यूटीफुल मॉमीज आउट देयर अ वेरी हैप्पी मदर्स डे. नो मैटर व्हाट, यू आर अ मॉमी ऑफ अ 4-leg बेबी और अ 2-leg बेबी, डजंट मैटर. मदरहुड इज मदरहुड एंड आई नो हाउ टफ इज दैट. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू एंड कुडोज टू ऑल द मदर्स. हमारा स्टोरी यही है. आज मैंने सुबह से व्लॉग नहीं किया, एकदम नहा धो के व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि सुबह मैं इतनी गंदी दिख रही थी, पसीना पसीना होके, इतना गर्मी था यहाँ पे. और आज कुछ अच्छा खाना भी बनाया है मैंने, मेहनत की है मैंने सुबह, इसलिए इन लोगों को आज खाना बना के मुझे खिलाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आई मेड फ्राइड राइस. दिस इज़ बंगाली स्टाइल फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस घी के साथ. और बना है मटन. ढेर सारा आलू दिख रहा है ना, क्योंकि हम मटन में आलू खाना बहुत पसंद करते हैं, हम मतलब हम बंगालीज. तो इसी के साथ होगा आज का लंच. और ये बनाते बनाते ख़त्म हो गया था गैस. मैं जल्दी काम शुरू की कि जल्दी ख़त्म करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. गैस ख़त्म हो गया, गैस के लिए वेट किया, गैस आया, उसके बाद हमने बाकी का खाना बनाना कंप्लीट किया. इसके साथ अभी लंच करेंगे, काफ़ी लेट हो गया है. टाइम हो रहा है 2:15 और आज शाम को हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में बच्चों ने कुछ ऑर्गेनाइज किया है फॉर मदर्स डे. एंड आई एम द ओनली मदर जिनके बेबीज किसी और को सीक्रेट रिवील नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे पास आए थे वो लोग सुबह कुछ देर की क्या खाना लाऊँ, क्या गेम्स प्लान करूँ. वो दे आर वेरी स्मार्ट, उनको आइडियाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो आए थे थोड़े से डिस्कस करने. हुआ 7:45 से प्रोग्राम है, हम लोग 7 बजे तक जाएंगे क्लब हाउस. यही है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे बेबीज क्लब हाउस में नहीं जा सकते क्योंकि दे आर नॉट अलाउड. सब ने नहा लिया है, यहाँ पे है पुम्बा. अरे यहाँ पे है मेरे बेबीज. बेबीज मामा, ओ मामा, तो नाम मामा क्या? ओ बाबा, गुड गर्ल. मामा कम फ्लरी हाय बोलेगी, अभी फ्लरी हाय बोलेगी. हाँ वो तो बोनूर. मामा हाय बोल दो तो एक बार. मामा एक बार हाँ. गुड गर्ल. तो फ्लरी और कियारा ने भी सारे मम्मीज को मदर्स डे विश कर दिया. चलो अभी खाना खाते हैं, फिर शाम को मिलते हैं. Yeah.
I won't take it anymore. I'm fed up with all your lies. You keep asking for forgiveness. You're ready for a big step. Hey guys, so got ready. So ke aap full gaya mera. इतना सो गई मटन और फ्राइड राइस खा के माय गॉड, मुझे लग रहा था उसमें किसी ने कुछ मिला दिया था. मैं आँख खोल भी नहीं पा रही थी. ये मुझे खींच खींच के उठाया कि चलो, बच्चे कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, घर भी आए थे एक बार, तो चलो उठ जाओ. अभी जाएंगे और हम थोड़ा जल्दी आ जाएंगे क्योंकि पापा के साथ ये लास्ट वीकेंड है. लास्ट वीकेंड मतलब वीकेंड का भी लास्ट, आज संडे है तो इसलिए पापा थर्सडे को जा रहे हैं. तो थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे ताकि और थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले. और फ्लरी का भी मेरी जैसी हालत है, उठने का नाम नहीं है, उठ ही नहीं पा रही है बेचारी. इधर से उठ के उधर सो रही, उधर से उठ के इधर. प्लीज़ एक्सक्यूज द मेस. मेरे रूम में आज लिटिल बिट मेस है क्योंकि एक तो संडे है. मैं संडे को उतना टेंशन नहीं लेती इन सब चीज़ों का. ओके चलिए चलते, आपको भी लेके चलते हैं क्लब हाउस और दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहा है. थोड़ा बहुत अच्छा लगता है जितना भी टाइम हम रहेंगे आपके साथ शेयर करें. गए हैं घर वापस और हमने बहुत एंजॉय किया आज का शाम. एकदम लगा कि फिर हम बचपन में वापस चले गए हैं. बहुत सारे गेम्स हो रहे थे, मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई जितना हो सका किया क्योंकि मैं खुद भी बिजी हो गई थी इसमें. मैं और दीपांजन दोनों हम भी पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो घर आके जैसे कि पहला काम होता है किचन में, इतना सारा बर्तन पड़ा था जिसको अरेंज करना था, फिला हुआ बर्तन. आज सुबह मैं मटन और फ्राइड राइस के साथ दाल फ्राई भी बनाई थी क्योंकि मुझे लगा था मटन नहीं रहेगा तो रात को दाल फ्राई और रोटी मंगवा के खा लेंगे, बट मटन है और फिश भी बना हुआ है कल का, तो वही हम थोड़ा राइस बना के उसके साथ खाएंगे डिनर में. वहाँ पे हमने समोसा खाया है और मोमो खाया है तो सबके साथ डिनर भी करेंगे थोड़ा बहुत. तो दाल फ्राई जा रहा है फ्रिज में, इसको पैक करके मैं उठा रही हूँ. यहाँ पे देखा जा रहा है IPL फाइनल और आज बहुत गर्मी है. यहाँ पे कूलर चलाया गया, हमें बहुत गर्मी लग रही है आज, काफ़ी गर्मी है एक्चुअली. और कूलर बहुत भी नहीं चला है तो कैसा एक स्मेल आ रहा है. खाना लग गया है टेबल पे और यहाँ पे सब सपोर्ट कर रहे हैं मुंबई को, बट मुंबई हार रहा है. अच्छा दिखाती हूँ आज का खाना. ये है मटन, ये है फिश, ये फ्राइड राइस सुबह का थोड़ा सा रह गया है, बना है राइस. इतना राइस कोई नहीं खाएगा. हाँ वो खाएगा ना. हाँ खाएगा. इन दोनों का हो गया है खाना वाना. हाँ मामा. हाँ और कियारा कुछ तो ला रही है बालकनी से और खाई जा रही है. मैं देखती हूँ, देखो तो मुँह के अंदर क्या है एक बार दिखा तो. क्या था? पीजीएन का फायदा है ना. हाँ ये देखो पीजीएन फिर के कोड़े चे के कोड़े चे. हाँ
बहुत काम करता है आजकल बहुत ज़्यादा।